गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट बांगल कॉलेज डीडवाना। माई सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बांगल कॉलेज डीडवाना। दिस टॉपिक इज एफिलेटेड विद द महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर एंड कवर्स इन द सिलेबस ऑफ BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी पेपर सेकेंड, सॉरी पेपर थर्ड, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एजिंग इज द टॉपिक। एजिंग अर्थात जीर्णता, जीर्णता अर्थात ओल्डिंग या वृद्धा, रुग्णता या वृद्ध होना। एजिंग प्रोसेस begins after the organism has attained sexual maturity and it ends fully in the death of the organism. Students, मेरे पास काफ़ी students का WhatsApp message और phone आया था कि मैं मेरे topics को हिंदी के साथ साथ English में भी share क्या करूँ, तो मैंने ये उचित समझा कि कंटेंट्स इंग्लिश में अगर मैं उपलब्ध कराऊं और हिंदी में आपसे बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही विद्यार्थी सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। इस उद्देश्य से मैंने इंग्लिश के भी मैटर को आपके साथ शेयर करना उचित समझा है। आपको अगर असुविधा हो तो कोई भी टर्म समझ में नहीं आए तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ। एजिंग प्रोसेस या जीवनता की प्रक्रिया बिगिंस आफ्टर द ऑर्गेनिज्म हैज अटेंड द सेक्सुअल मैच्योरिटी। राइपनिंग जब हो जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी जब प्राणी की हो जाती है, उसके बाद एजिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यह जीव के मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। मोस्ट एनिमल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एजिंग विच इज ऑल्सो नोन एज सेनेसेंस। सेनेसेंस ये ज़्यादातर जीवों के अंदर देखने को मिलती है, जो कि सेनेसेंस कहलाती है। और द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड जीरंटोलॉजी। ध्यान से समझिएगा इसको, इस शाखा को, विज्ञान के शाखा को जीरंटोलॉजी कहते हैं। एनिमल्स मस्ट मीट ए नेचुरल डेथ फॉर विच एजिंग अलोन इज रेस्पॉन्सिबल। एजिंग वेरीज फ्रॉम ए फ्यू डेज टू ए फ्यू ईयर्स और मोर। मैन हैज एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स देन इज सेट बाई ए ग्रुप ऑफ डेथ genes. Once the juvenile period, which is a period of active growth under hormonal influence, HTH of pituitary gland. HTH की full form होती है somatotropic hormone, जो कि pituitary से स्रावित होता है, is completed and the organism enters the adult phase. और इसके बाद जीव वयस्क अवस्था में प्रवेश कर जाता है। ग्रोथ इज रिप्लेस्ड बाय ए मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की जब रेट समान हो जाती है तो जीव वयस्क अवस्था में होता है और हार्मोनल चेंजेस कंट्रोल एंड रेगुलेट regression and degression over them coming an anabolism. और आने वाली anabolism के साथ में regression और degression को ये संतुलित करता है। anabolism is at a low profile owing to reduced rate of metabolic changes and issue replacement.
Some animals tend to escape aging by evolving a rejuvenation process. Bryozoans are excellent examples. Bryozoans जो होते हैं इसके अत्यंत उपयुक्त उदाहरण होते हैं, which get rid of aging effects by discarding brown bodies. इनमें क्या होते हैं, brown bodies को ये discard करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, and thus are able to rejuvenate a new life. No amount of improvement in sanitation, richness in diet, or improvement of medical care facilitates can increase the longevity of mammals. Such improvements may simply increase the percentage of survivors at low ages in the population. तो ये इंट्रोडक्शन था एजिंग का. अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ एजिंग. एजिंग के पीछे क्या सिद्धांत हैं इसको हम समझते हैं. एजिंग इज नॉट मेयरली ए नेचुरल लॉस ऑफ वाइटेलिटी बट अ डिफिनेट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ये क्या है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक पार्ट है, विकास की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर एजिंग भी उसका एक हिस्सा होता है. दो डिस्ट्रक्टिव, हालांकि भले ही है डिस्ट्रक्टिव होती है, परंतु ये भी एक परिवर्धन या विकास का ही एक हिस्सा है. इट इज एन इलेक्ट्रिक फिनोमिना एंड इट हैज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजिंग रेदर देन ए सिंगल कॉज to influence it. A number of factors are responsible for the aging process. बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि एजिंग की या जीर्णता की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, and these jointly act through a complex network of interacting positive and negative feedback systems. Any one theory therefore cannot be explained the mechanism of aging to the complete satisfaction. कोई भी एक सिद्धांत एजिंग की या जीर्णता की बात को परिपूर्णता के साथ में समझाने में असक्षम है. The major theories may be broadly classified into two groups. The first deals with the aging at the level of cell and this called as the cellular theory. खास तौर से इसको broadly cellular theory के नाम से जाना जाता है. And the second, which takes into account the entire body for an understanding of the aging process, the systematic theory or extracellular theory of aging. अब हम बात करते हैं सेलुलर थ्योरी क्या है. सेल इज कंसीडर्ड एज द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड दस द एजिंग ऑफ बॉडी रिजल्ट्स फ्रॉम एजिंग ऑफ सेल्स. जो शरीर की जीर्णता जो है वो मूलतः कोशिका की जीर्णता से संबद्ध होती है. Aging, according to this theory, is basically a cellular process. तो इस प्रकार से एजिंग एक कोशिकीय प्रक्रिया होती है. Hypothesis enumerated below explain the mechanism of cellular aging. इसमें पहली hypothesis है cell aging. Body of an organism undergoes aging as its somatic cells die continuously due to their definite lifespan. एक निश्चित
जीवन पराश के समाप्त होने के कारण एक कोशिका मृत हो जाती है और द कंसिक्वेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सेल्स इन टिश्यू एज फॉर एग्जाम्पल न्यूरोन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन में स्थित होता है अकाउंट्स फॉर डिक्लाइन ऑफ ऑर्गन फंक्शन. दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर ऑर्गन्स विच लेक ए सेल टर्न ओवर दैट इज रिपेयर एंड रिन्यूअल. रिपेयर और रिन्यूअल की जब प्रक्रिया अवमंदित हो जाती है तो सेल्स मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाती हैं. जैसे कि न्यूरोन्स का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, न्यूरोन्स जो कि ब्रेन के अंदर स्थित होती हैं, नर्व सेल्स की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स होती हैं. रेट ऑफ लॉस इन सेल नंबर इंक्रीजेज विद एज एंड दिस अकाउंट्स फॉर रैपिड चेंजेस इन एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ लाइफ. इन विट्रो एजिंग ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड टू डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ सेल डिविजन्स. कोशिका के अंदर जो सेल डिवीजन की संख्या होती है वो एजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. अगर वो संख्या घट जाती है सेल डिवीजन्स की तो एजिंग की रेट बढ़ जाती है. एवरी स्पीसीज हैज ए फिक्स्ड टोटल नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स फॉर इट्स सोमेटिक सेल्स. प्रत्येक स्पीसीज के लिए दैहिक कोशिकाओं के विभाजन की संख्या नियत होती है. विच सीम्स टू बी जेनेटिकली डिटर्मिंड और जो कि आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती है. सेल्स विच हैव कंप्लीटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल डिविजन्स डू नॉट सर्वाइव. और जो कोशिकाएं अपनी अधिकतम कोशिका विभाजन की संख्या को अचीव कर चुकी होती हैं, प्राप्त कर चुकी होती हैं, वो विभाजित नहीं होती हैं और फिर वो जीवित भी नहीं रहती हैं. नॉट विदस्टैंडिंग द फैक्ट दैट ऑल फेवरेबल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड अंडर इन विट्रो कल्चर. इन विट्रो कल्चर के अंदर जैसे कि समस्त प्रायोगिक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं उसके बावजूद भी ये सेल डिवीजन की संख्या नियत होती है. इफ़ डिवाइडिंग सेल्स आर फ्रोजन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स, अगर एक निश्चित सेल डिवीजन की संख्या के बाद में सेल्स को हिमीकृत कर दिया जाए, सेल्स को आइस के अंदर फ्रीज कर दिया जाए, तो देन दे बी स्टोर्ड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम एंड रिटेन्ड इन लिविंग कंडीशंस. तो उन सेल्स को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है और उनको पुनर्जीवित भी किया जा सकता है. वंस थाउट सच सेल्स रिज्यूम सेल डिवीजन बट ओनली सर्वाइव टू ए कंप्लीट दी रिमेनिंग नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स एंड नॉट मोर. और फिर उसके बाद जब हम उन सेल्स को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हैं तो जो बची हुई सेल डिवीजन्स हैं उनको भी वो पूरा कर लेती है. दिस शोज दैट नॉट द क्रोनोलॉजिकल एज बट द टोटल नंबर ऑफ सेल डिवीजन इज द कॉज ऑफ इन विट्रो एजिंग. तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि सेल डिवीजन की टोटल संख्या एजिंग को निर्धारित करती है और हर स्पीसीज में हर सेल्स के लिए एक टोटल नंबर ऑफ सेल डिविजन्स फिक्स होता है. ऑल्दो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट थ्योरीज, हालांकि ये एक बहुत ही प्रिवेलेंट थ्योरी है, येट दिस थ्योरी डज नॉट होल्ड वेल बिकॉज इन विट्रो एजिंग does not apply
to in vivo aging of cells. परंतु ये इतना यथार्थ सत्य नहीं है, क्योंकि इन वीवो और इन विट्रो सेल डिविजन्स की संख्या पर यह लागू नहीं होती है. इन एडल्ट एज मोस्ट ऑफ द सेल्स आर इन ए पोस्ट माइटोटिक और नॉन डिवाइडिंग स्टेट एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंप्लीटेड कंपेयर्ड विद इन विट्रो क्लोन्स. और इस वजह से वयस्क के अंदर या वयस्क अवस्था में अधिकांश कोशिकाएं पोस्ट माइटोटिक या नॉन डिवाइडिंग स्टेट में पहुंच जाती हैं, और उस अवस्था में वो इन विट्रो क्लोन से तुलना नहीं की जा सकती. तो इस प्रकार से ये आगे कंटिन्यू रहेगा. आज ये मैंने इस समय आपसे एजिंग का पार्ट फर्स्ट शेयर किया है, तो ये आगे कंटिन्यू है. थैंक यू वेरी मच.